अल्लाह ताला ने इंसानों को जो फजीलत दी है दूसरे जानदारों पर, दूसरी मखलूकात पर, वो इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने क्या करी है, इंसानों को फजीलत दी है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो उसके अंदर अखलाकी मेयार हो या उसके अंदर तहज़ीब व तमद्दुन हो, उसके अंदर शाइस्तगी हो, ये सारी चीज़ें कैसे पैदा होती हैं, ये सारी चीज़ें इंसान के पास इल्म के ज़रिए से उसको मैसर होती हैं। इल्म के फ़ज़ाइल बेशुमार अहादीस के अंदर, कुरान करीम के अंदर वारिद हुए हैं। एक हदीस के अंदर आता है कि जो इंसान इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जब तक वो अपने इल्म दीन हासिल करने के सफ़र से वापस लौट कर ना आए, उस वक्त तक इंसान को अल्लाह ताला क्या करता है, जिहाद में जाने का सवाब अता फरमाता है। एक रिवायत के अंदर आता है कि जब इंसान इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते अपने परों को उसके पैरों के नीचे बिछा देते हैं और उस इंसान के लिए, चाहे वो दरिंदे हों, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो दरिया में रहने वाली मखलूकात हो, उस सारी मखलूकात क्या करती है, उस इल्म दीन हासिल करने वाले के लिए क्या करती है, दुआ करती है। इल्म की क्या है, बड़ी फजीलतें हैं, रिवायतों के अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हैं। इसलिए हम तमाम को क्या करना चाहिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने आप को मशगूल रखना चाहिए। इस इल्म के ज़रिए से इंसान वो तमाम बुरे काम जिसके अंदर वो मुलव्विस हो सकता था, उस काम से अपने आप को क्या कर लेता है, बचा लेता है। इंसान के अंदर इल्म हासिल करने से उसके अंदर, उसके दिल के अंदर एक सुकून, एक इत्मीनान पैदा होता है। ये इल्म हासिल करना ये क्या है, ये बड़ी फजीलत का हामिल है। आज हमारे माशरे के अंदर जो एक बदसुकूनी की फ़िज़ा, आज हमारे माशरे के अंदर जो इल्म ना होने की फ़िज़ा, आज हमारे माशरे के अंदर जो बेइल्मी का जो एक माहौल चल पड़ा है, उस बिना पर हमारे अंदर जो गिरावटें पैदा हो रही हैं, चाहे वो अखलाक के अतबार से गिरावटें हों, चाहे वो हमारे माशरती अतबार से गिरावटें हों, ये तमाम गिरावटें हमारे अंदर जो पैदा हो रही है, वो असल वजह क्या है, वो हमारे इल्म दीन हासिल ना करने की बिना पर हो रहा है। आज अगर हम माशरे के अंदर देखें तो लोगों का रुझान इल्म दीन की तरफ कम, दुनियावी उलूम की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज हम देखें कि हमारे जो घरानों के अंदर, जो माशरे के अंदर जो अच्छे बच्चे माने जाते हैं, जो ज़हीन बच्चे माने जाते हैं, जिनके दिमाग अच्छा होता है, तो माँ बाप उनको क्या करते हैं, उन बच्चों को उठाकर तो स्कूल की तालीम में, दुनियावी तालीम के अंदर या अच्छी पढ़ाई के अंदर, अच्छी डिग्री हासिल करने के लिए उनको लगा देते हैं। और जो बच्चे शरीर किस्म के होते हैं, जो बच्चे उदमातले होते हैं, जो बच्चे कभी किसी को परेशान किया, कभी किसी को परेशान किया, या जिन बच्चों से माँ बाप तंग आ जाते हैं, उनको उठा कर क्या करते हैं, मदरसे में डाल देते हैं। लेकिन इस इल्म के बिना पर ये मदरसे वाले उन बच्चों पर मेहनत करके उनके अखलाक को, उनके मेयार को इस कदर बुलंद कर देते हैं कि उनकी इस बुलंदी की बिना पर लोग क्या करते हैं, उनसे इल्म हासिल करने के साथ साथ उन पर रश्क भी करते हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं, एक शख्स थे जो क्या करते, जब भी जुमा का बयान होता, खुतबा पढ़ते या लोगों के सामने तकरीर वाज करते या लोगों को नसीहतें करते, तो एक बुज़ुर्ग साहब थे जो उनके सामने क्या करते थे, हमेशा रोया करते थे। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, उनका मामूल था कि वो उन आलिम शख्स को देखते और उनके उनको देखकर, उनके वाज को सुनकर, उनकी तकरीर को सुनकर क्या करते, रोना शुरू कर देते। तो उन आलिम ने ये समझा, हो सकता है मेरी तकरीर क्या है, मेरी तकरीर क्या है, इनके दिल पर ज़्यादा असर कर रही है। एक दिन उन आलिम साहब ने उन बुज़ुर्ग साहब से पूछ ही लिया कि आप इतना रोते हैं, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती, या फिर आपको और क्या वजह है कि आप मेरी बातों को सुनकर इतना रोते हैं। तो उन बुज़ुर्ग ने जो बात कही वो हमें समझने के लायक है। आज हम लोग को जो इल्म दीन हासिल करने के लिए हमारी तवज्जुहात कम होती जा रही है, और उस तवज्जुहात की कम होने की बिना पर हो क्या रहा है कि हमारे अंदर, हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद, हमारे माँ बाप के गुजरने के बाद, ना उनको कुछ पढ़ के बख्श पाते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं आता है। जब वो लोग इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे, जब उनको कुरान शरीफ पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना नहीं आएगा, तो हमें क्या बख्श पाएंगे।
तो उन बुजुर्गों ने जो बात कही वो हमारे लिए क्या है, समझने के लायक है। उन बुजुर्गों ने कहा कि मेरे कितने हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने आपके वालिद को भी देखा है और मैंने आपके दादा साहब को भी देखा है, उन दोनों का इंतकाल हो गया, लेकिन आप जब वाज करते हैं, आप जब नसीहत करते हैं, तो आपकी नसीहत के बिना पर, आपके ज़रिए से जो लोग हिदायत पर आ रहे हैं, आपके ज़रिए से जो लोग अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, उस तमाम का सवाब क्या हो रहा है, आपके वालिद के खाते में और आपके दादा के खाते में जा रहा है। लेकिन मुझे इस चीज़ पर रोना आता है, आपको देखकर मुझे जो रश्क आता है, आपको देखकर मुझे बार बार जो रोना आता है, वो इसीलिए आता है कि मेरे कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों बच्चों ना मस्जिदों में उनका आना होता है, ना उनके ताल्लुकात उलमा से हैं, ना वो लोग नमाजों की पाबंदी करते हैं, ना वो कलाम पाक की पाबंदी करते हैं, ना वो किसी और दीनी शगफ में अपने आप को मशगूल लगते हैं। इस बिना पर मुझे ये सोच कर रोना आता है कि जब मैं मर जाऊँगा, जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा, जब मेरा आखिरी वक्त आ जाएगा, तब उस वक्त मेरे बच्चे मेरे साथ क्या हश्र करेंगे, मेरे बच्चे मेरे को कुछ पढ़कर बख्श देंगे, मेरे बच्चे मेरे को कुछ पढ़कर मेरे निजात का ज़रिया बनेंगे, या मेरे बच्चे मुझ तक कुछ ईसा सवाब करके मुझे अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा होने से बचा लेंगे। इसी बात को सोच कर मैं आपको देखकर रश्क में रोने लगता हूँ। इसलिए हम तमाम को चाहिए कि जो लोग दुनियावी उलूम हासिल कर रहे हैं वो दुनियावी उलूम भी हासिल करें, लेकिन उन दुनियावी उलूम को हासिल करने के अंदर अपनी नीयत को खालिस रखें कि मैं इन दुनियावी उलूम को हासिल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसके ज़रिए से अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला से मिलवाने वाला बन जाऊँ, इसके ज़रिए से मैं लोगों को अल्लाह ताला की मारिफत पैदा करवा दूँ, मैं इसके ज़रिए से लोगों के अंदर जो अखलाकी मेयार कम हो गया है, उनके अंदर जो तनज़ुली पैदा हो रही है, उसको बढ़ाने वाला बन जाऊँ मैं।